नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नोटबंदी पर पीएम की समीक्षा बैठक के बाद बड़ा फैसला। पेट्रोल पंप, अस्पताल समेत जरूरी जगहों पर 24 नवंबर तक चलेंगे पुराने नोट। कैश लिमिट बढ़ाकर 50,000 करने पर विचार। आज से एटीएम से निकाल सकेंगे 2,000 के बजाय 2,500 रुपए, तो बैंक में बदल सकेंगे 4,500 रुपए तक के नोट। वहीं बैंक से अब हफ्ते भर में निकाल सकेंगे 24,000 रुपए। गुरु नानक जयंती की छुट्टी के चलते आज भी पैसे निकलवाने को लेकर देश भर में हाहाकार। दिल्ली, मुंबई, बंगाल समेत पूर्वोत्तर सर्किल में बैंक बंद। एटीएम से पैसा निकलवाने के लिए रात से उमड़ा है लोगों का हुजूम। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी। शीतकालीन सत्र में सदन में कांग्रेस उठाएगी मुद्दा। राष्ट्रपति से भी विपक्ष के नेता करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आज। 2,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सिलसिलेवार भूकंप के झटकों से दहला न्यूजीलैंड, दो लोगों की मौत। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.8 दर्ज की गई। और गुरु पर्व पर जगमग हुआ अमृतसर। स्वर्ण मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। वहीं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।